वेलकम टू रोड्रिक्स, सब्सक्राइब टू माय चैनल। तो जैसा कि आपको पता ही है कि इलेक्ट्रिसिटी 11 किलोवोल्ट या फिर 22 किलोवोल्ट में पावर स्टेशन से जनरेट होता है। उसके बाद स्टेप अप करके इसको 132 केवी कर दिया जाता है। उसके बाद 132 केवी ट्रांसमिट होने के बाद स्टेप डाउन करके 33 किलोवोल्ट किया जाता है। फिर एक सबस्टेशन में 33 केवी से 11 केवी स्टेप डाउन होता है। तो ये हमारा सबस्टेशन है 33 व 11 केवी, जिसको हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। ये देखिए, यहाँ पे 33 किलोवोल्ट का लाइन इनकमिंग है, ये इनकमिंग वन लाइन है, और यहाँ पे लाइन टू है जो कि 33 किलोवोल्ट का है इनकमिंग। और ये हमारा ट्रांसफार्मर जो 33 किलोवोल्ट से 11 किलोवोल्ट स्टेप डाउन कर देता है। ये 6.3 एमवीए का ट्रांसफार्मर है। लेफ्ट हैंड साइड में हमारा इनकमिंग है 33 किलोवोल्ट और राइट हैंड साइड में स्टेप डाउन होके 11 किलोवोल्ट आउटगोइंग है। ये देखिए, ये ट्रांसफार्मर है 6.3 एमवीए का, और यहाँ पे हमारा आउटगोइंग है 11 किलोवोल्ट। तो इससे पहले हम आपको सर्किट डायग्राम एक्सप्लेन कर दे रहे हैं, उसके बाद आपको वापस सबस्टेशन एक्सप्लेन करेंगे। देखिए, इनकमिंग लाइन वन है ये, और यहाँ पे लास्ट में ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, और यहाँ पे 11 केवी आउटगोइंग। वैसे ही इनकमिंग टू ये लाइन है 33 किलोवोल्ट, और उसके बाद यहाँ पे ट्रांसफार्मर नीचे में है 11 किलोवोल्ट आउटगोइंग। ये पोटेंशियल ट्रांसफार्मर है जिससे वोल्टेज हम लोग मेज़र करते हैं, हाई वोल्टेज। और ये हमारा स्टेशन ट्रांसफार्मर, स्टेशन को पावर प्रोवाइड करने के लिए। तो चलिए, इस सर्किट को हम पूरा डिटेल में एक्सप्लेन कर देते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे इनकमिंग 33 वोल्ट है, उसके बाद एक लाइटनिंग एरेस्टर लगा हुआ है, उसके बाद हमारा आइसोलेटर है जो सर्किट को आइसोलेट करता है, उसके बाद एक सीटी लगा हुआ है करंट ट्रांसफार्मर, करंट मेज़र करने के लिए, उसके बाद एक सर्किट ब्रेकर है जो कि यहाँ पे वीसीवी है, वैक्यूम सर्किट ब्रेकर, उसके बाद फिर एक आइसोलेटर है, उसके बाद बस बार है। ये बस बार दोनों इनकमिंग लाइन को इंटरलिंक कर देता है। इफ़ इन केस अगर एक इनकमिंग लाइन से पावर नहीं आ रहा है, तो हम दूसरा इनकमिंग लाइन से दोनों ट्रांसफार्मर को चला सकते हैं, इसीलिए ये बस बार इंस्टॉल किया जाता है। यहाँ पे इनकमिंग टू में भी लाइटनिंग एरेस्टर, सीटी और वीसीवी है। उसके बाद यहाँ पे एक पोटेंशियल ट्रांसफार्मर है जिससे हम लोग वोल्टेज मेज़र करते हैं, हाई वोल्टेज मेज़र करने के लिए। और उसके बाद एक फिर आइसोलेटर, फिर एक वीसीबी, उसके बाद फिर एक करंट ट्रांसफार्मर, उसके बाद फिर एक आइसोलेटर, उसके बाद हमारा ट्रांसफार्मर में पावर चला जाता है लाइन। ट्रांसफार्मर के दोनों तरफ एक लाइटनिंग एरेस्टर लगा हुआ रहता है लाइटनिंग से प्रोटेक्ट करने के लिए, और ये हमारा ट्रांसफार्मर है, और उसके बाद फिर एक लाइटनिंग एरेस्टर, उसके बाद 11 केवी आउटगोइंग। फिर यहाँ पे देखिए, ट्रांसफार्मर के दोनों तरफ लाइटनिंग एरेस्टर लगा हुआ है, और ये हमारा 33 बाई 11 केवी ट्रांसफार्मर। तो यहाँ पे एक सेकेंड बस बार है जो कि दोनों ट्रांसफार्मर को इंटरलिंक करता है, दोनों इनकमिंग लाइन को। और यहाँ पे हमारा बस बार से कनेक्टेड किया हुआ एक फ्यूज़ है, ये हॉर्न गैप फ्यूज़ है स्टेशन ट्रांसफार्मर का फ्यूज़। और यहाँ पे ये है स्टेशन ट्रांसफार्मर जो 33 किलोवोल्ट से 433 वोल्ट को स्टेप डाउन कर देता है। ये स्टेशन को पावर प्रोवाइड करने के लिए है। तो अब हम सब स्टेशन देखते हैं। जैसा कि आप लोगों ने डायग्राम देख लिया है, तो ये इनकमिंग वन था, और ये तीन लाइन है हमारा इनकमिंग टू, तो दो लाइन इनकमिंग है। उसके बाद एक लाइटनिंग एरेस्टर लगा हुआ है लाइटनिंग से प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पे, उसके बाद आइसोलेटर, और उसके बाद हमारा वी करंट ट्रांसफार्मर है जो कि करंट मेज़र करता है, उसके बाद ये वीसीवी है, वैक्यूम सर्किट ब्रेकर, और ये वीसीवी का पैनल। तो ये वैक्यूम सर्किट ब्रेकर है, उसके बाद फिर हमारा एक आइसोलेटर है, वो देखिए ऊपर में एक आइसोलेटर लगा हुआ है। फिर आइसोलेटर के बाद जैसा कि सर्किट डायग्राम में था, एक बस बार लगा हुआ है, ये फर्स्ट बस बार है। तो बस बार दोनों इनकमिंग को इंटरलिंक कर देता है, आप उसे क्लोज भी कर सकते हैं या फिर ओपन। तो यहाँ पे ये हमारा बस बार है, ये बस बार वन है,
तो वैक्यूम सर्किट ब्रेकर के बाद एक बस बार है। फिर बस बार के बाद हमारा एक आइसोलेटर है जो कि सर्किट को आइसोलेट कर देता है, ओपन या क्लोज कर सकते हैं इसे। फिर आइसोलेटर के बाद एक वैक्यूम सर्किट ब्रेकर VCB, उसके बाद फिर एक करंट ट्रांसफार्मर CT, उसके बाद फिर एक आइसोलेटर, आइसोलेटर के बाद सेकेंड बस बार, जैसा कि आप लोगों ने सर्किट डायग्राम में देखा था। ये सेकेंड बस बार है। इसके बाद आएगा हमारा ट्रांसफार्मर का सेटअप। तो यहाँ पे एक और आइसोलेटर है, आइसोलेटर के बाद हमारा यहाँ पे नीचे एक ट्रांसफार्मर है। तो ये है हमारा ट्रांसफार्मर। यहाँ पे आइसोलेटर के बाद ट्रांसफार्मर का इनकमिंग 33 kV और आउटगोइंग 11 kV हो जाता है। ट्रांसफार्मर के दोनों साइड लाइटनिंग अरेस्टर लगा हुआ है लाइटनिंग से प्रोटेक्ट करने के लिए। और तो जैसा कि आप लोगों ने सर्किट डायग्राम में देखा था, सब कुछ वैसा ही है। CT VCB, आइसोलेटर और उसके बाद ट्रांसफार्मर, और दोनों तरफ लाइटनिंग अरेस्टर, और इस तरह से 33 kV 11 kV में कन्वर्ट हो जाता है, स्टेप डाउन हो जाता है। और एक स्टेशन ट्रांसफार्मर लगाया जाता है स्टेशन को पावर प्रोवाइड करने के लिए। और एक पोटेंशियल ट्रांसफार्मर वोल्टेज मेज़र करने के लिए। हमारा स्टेशन ट्रांसफार्मर 100 kVA का ही रहता है, उससे ज़्यादा नहीं। और ये कंट्रोल पैनल है जिससे पूरा सिस्टम को कंट्रोल किया जाता है, आउटगोइंग और इनकमिंग को, आइसोलेटर को, VCV को। ये कंट्रोल पैनल से हम लोग स्विच ऑन या ऑफ कर सकते हैं कोई भी VCV। और ये सब इंसुलेटर्स है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।